हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 1 dx। अब मेथड तो हमें पता है, वी एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये वाली टेक्निक हम इस टाइप के सम्स में यूज करते हैं। सो वी पुट न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो है 2 e रेज टू x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 1 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी गेट a इंटू 2 e रेज टू x प्लस 1 प्लस b इंटू, अब ये पार्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, सो 2 एज इट इज, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x एंड 1 का डेरिवेटिव होता है 0। सो वी हैव न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू 2 e रेज टू x प्लस 1 प्लस b इंटू 2 टाइम्स e रेज टू x। Let us call this as equation number 1. Okay? अब हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 e raise to x plus 5 is equal to, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो वी हैव 2 a into e raise to x plus a plus 2 b into e raise to x। Now, rearranging the term on the right hand side. So, right hand side पर जो तीन terms हैं, उन्हें हम rearrange करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। So, 2 e raised to x plus 5 is equal to, ये e raised to x वाले terms हम group कर देते हैं। So, we have 2a plus 2b, common आ जाएगा, e raised to x plus a. And now we can equate the coefficients और हमें a और b की value मिल सकती है। So by equating the coefficients, let us equate a first। यहाँ पे constant a है और यहाँ पर constant है 5। Therefore हम directly कह सकते हैं a is equal to 5। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई, करेक्ट। अब आगे वाला कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, दैट इज e रेज टू x का कोएफिशिएंट। सो वी हैव 2a प्लस 2b, सो 2a प्लस 2b और इस तरफ e रेज टू x के साथ है 2, तो इज इक्वल टू 2। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 1, लेकिन हमें a की वैल्यू तो मिल चुकी है, राइट, इक्वेशन 2 में। यहाँ पे a इक्वल्स 5, सो देयरफॉर 5 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, सो b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5, सो दैट्स माइनस 4। सो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ओके, ये तीनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। देखिए, तो यहां पर a और b से सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। सो वी हैव न्यूमरेटर इक्वल टू, मतलब 2 टाइम्स e रेज टू x 5 is equal to a into, अब a की वैल्यू हमें मिली है 5, तो a into
denominator, that is 2e raised to x plus 1 plus b into, b hai minus 4 into derivative of denominator, which is 2e raised to x. तो हमें न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट मिल गया. अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल में. सो देयरफॉर आवर इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ये हमारा रिप्लेसमेंट न्यूमरेटर आ गया, 2 टाइम्स e रेज टू x प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स 2 इंटू e रेज टू x डिवाइडेड बाय 2e raised to x plus 1 dx. Next step is we split the denominator. So denominator ko hum split karte hain. So we get two parts over here. Ek aayega 5 into 2e raised to x plus 1 divided by 2e raised to x plus 1 minus 4 times 2e raised to x divided by 2e raised to x plus 1 dx. अब ये टर्म को कैंसिल हो जाते हैं, राइट, एंड वी कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू 2. पहला इंटीग्रेशन तो सिर्फ 5 का आएगा, 5 अगर चाहे तो हम बाहर ले लेते हैं, तो 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसमें से 4 इसे हम बाहर ले लेते हैं, सो minus 4 integration of 2e raised to x divided by 2e raised to x plus 1 dx. So, our final answer ab aa chuka hai. We know that integration of 1 is x. So, ye ho jayega 5x minus 4 times. Now, this part, ye jo part hai, second integral, it is of the form f dash x upon fx, और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है log of mod of fx plus c, करेक्ट. तो ये फॉर्मूला हम इस सेकेंड पार्ट पे यूज करते हैं एंड वी गेट 4 टाइम्स log of mod of 2e raised to x plus 1 plus c. So this is the required integral value.